दोबारा जो मुझे पार्टी हाईकमान ने कालका विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाकर भेजा, पहले मैं अपने हाईकमान का, हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपने कहा भी इस द्वारा सेवा करने का मौका मिला, सेवा तो नहीं लेकिन लोगों की जो समस्याएं परेशानियां थी, जो दिक्कतें, जो मूलभूत सुविधाएं 10 साल में यह सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, उसकी आवाज़ हमने जरूर हर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, मीडिया की बात हो, इलेक्ट्रो हर संभव प्रयास किया। जैसे हम काली जी माता के यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, 10 साल में यहाँ की पार्किंग की समस्या का हल यह सरकार नहीं करा पाई। मुख्यमंत्री खट्टर साहब 2 बार यहाँ आए और उन्होंने SDM को भी कहा, हम भी मुख्यमंत्री जी को 2 बार चंडीगढ़ में जाके मिले कहीं समस्या को लेकर, जिसमें पार्किंग की भी एक बात थी। तो मुझे आदरणीय खट्टर साहब जी ने भी कहा, मनोहर लाल जी ने, कि मैंने SDM को आदेश दे दिए हैं कि 15 दिन के भीतर भीतर वह इस बात का कोई हमें हल निकाल देंगे, लेकिन आपके समक्ष से कोई हल इस बात का नहीं हुआ। और जबकि मंदिर का पैसा, कोई कहीं से पैसे की जरूरत नहीं, बहुत पैसा पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी रही। और अगर मूलभूत सुविधाएँ की उपलब्ध की बात करूँ, पीने का पानी कालका जैसे शहरों, पिंजौर जैसे शहरों, कॉलोनियाँ हों, 2 दिन पानी नहीं पीने का, तीसरे दिन पानी आता है पीने का। और बिजली के कटों से लोग परेशान हैं, सड़कें जो चलने के लिए हैं उन सड़कों की हालत दुर्दशा आपने भी देखी होगी, बहुत बुरे हालात रहे। आवारा पशुओं की बात हो या स्ट्रीट लाइट की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, 7A लगा दी, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, फैक्ट्रियाँ HMT बंद कर दी, AICC सीमेंट फैक्ट्री, जब पहले बंसीलाल जी का और कांग्रेस BJP का राज था, जब इन्होंने वो फैक्ट्री बंद करने का काम किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना 10 साल में करना पड़ा। कहीं ID फैमिली को लेकर किसी का पीड़ा राशन कार्ड कट गया, किसी की पेंशन कट गई, तो ये समाधान शिविर भी इन्होंने बाद में एंड में लगाए पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, जब इन्हें दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई। लेकिन आज जनता जो है उनकी उम्मीद भरी जो निगाहें हैं वह लगी हुई हैं इस चुनाव में, क्योंकि आज निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से जो हमारा घोषणा पत्र बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, हम उसको हर घर परिवार तक, हर दुकान तक पहुंचाएंगे। उसमें हम बताएंगे, हमारी पार्टी बताएगी कि कैसे हम महंगाई पर काबू करेंगे, कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, कैसे रोजगार देंगे, कैसे हमारी सड़कें अच्छी होंगी, कैसे जो ID फैमिली की बात हो, ID जो पोर्टलों की बात हो, जो जिन पोर्टलों के कारण लोग परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन पोर्टलों को ख़त्म करने की उसमें घोषणा पत्र में हमारे जो कार्यक्रम होंगे वह हम हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि लोगों को चुनाव से पहले पढ़कर पूरा विश्वास हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर हम लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, कैसे रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे, कैसे महंगाई खत्म की जाएगी, कैसे अच्छी सड़कें होंगी, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, या घोषणा पत्र में हम हर साथी तक पहुँचाने का, हर मतदाता तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मुझे अपने कालका विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदाता बहुत जागरूक हैं, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास भरोसा है, क्योंकि ये चमक दमक में आने वाले नहीं, ये बहुत समझदार हैं। निश्चित रूप से जहाँ जो कोई बड़े बड़े लोग आकर अपनी चमक दमक या किसी तरह लोगों को गुमराह करने का प्रयास करने की सोचते हैं, तो हमारा मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। निश्चित रूप से उनकी सब निगाहें आज लगी हुई है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी, जितनी लिस्ट जारी हुई है BJP की, उसके बाद BJP में भगदड़ मच गई है। कालका में भी देखा गया, लतिका शर्मा जी नाराज हैं, काफ़ी लोग नाराज हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखो, इस्तीफे जितने BJP के अब बहुत लगातार आते जा रहे हैं, आज भी बहुत इस्तीफे आए, लगातार कालका विधानसभा क्षेत्र में भी इस्तीफों की झड़ी लगी, तो कहीं ना कहीं जो लगातार, अगर आप लतिका मैडम की बात की, उन्होंने लगातार 5 साल विपक्ष में रहते हुए लोगों के बीच रही, लोगों के लिए अपनी आवाज़ भी उठाई, लोगों के दुख सुख में शामिल होने का, तो जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे तो कहीं ना कहीं उनको भी दुख होना स्वाभाविक था, तो उस दुख के कारण उन्होंने इस्तीफे देने शुरू किया। मेरा अपना ये आइडिया है। जी, अभी कार्तिक जी आए थे तो उनका ये कहना था कि कालका को एक MLA के साथ साथ सांसद फ्री मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं? अब पार्लियामेंट में दिखा दिया ना क्या हुआ यहाँ कालका हरियाणा में, 5 सीटें आई हमारी, वो भी बहुत, 400 का पार का नारा लगाया के, कहीं ना कहीं फिर लोगों के दिमाग में थे 400 नहीं आएंगे 300 आ जाएंगे, लेकिन हमने कहा था कि ये जो 75 पार का नारा था 40 पर रुका, ये 400 का पार का नारा 215 पर रुकेगा,
लेकिन थोड़ी ज़्यादा आ गई सीटें। लोगों ने फिर यही सोचा कि सरकार तो यार ऊपर की बीजेपी की बढ़नी है, लेकिन 5 जब सीटें आई तब इनको समाधान शिविर लगाने पर मजबूर होना पड़ा, कहीं ना कहीं इनको समझ आ गई। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय पार्लियामेंट का भी है, निश्चित रूप से वहाँ भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों को इस बात का पूरा आज ज्ञान हो चुका है। कालका में बार बार भारी उम्मीदवार को टिकट दे रही है बीजेपी, पहले भी दी थी, अब की बार फिर एक भारी उम्मीदवार ला के खड़ा कर दिया है, इसको कैसे देखते हैं? लेकिन मैंने आपको कहा अब लोग चमक दमक में किसी कैंडिडेट के या किसी तरह के प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। लोग कालका विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बहुत जागरूक हैं, तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह का बहकावे में आएंगे, किसी तरह के प्रलोभन में आएंगे। निश्चित रूप से उनको अपना भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य है, अपना भविष्य जो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का टिकट मिलने के बाद? लोग मिलने आए होंगे आपसे, आप भी मिले हैं लोगों से, आज निकले हैं? हाँ, जिस समय कल टिकट का जो हमारा चर्चा हुई तो रात तक बहुत हमारे साथियों के फोन भी आए, लोग मिलने भी आए, और आज भी सुबह से लेके जब तक हम यहाँ निकले बाहर लोगों का आना जाना तांता लगा हुआ है। लोग खुश हैं क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार भी बनने जा रही है, अपना MLA भी बढ़ाओ। तो आज हम माता के दरबार में यहाँ हाजिर हुए, माता का आशीर्वाद लेने। वैसे हम यहाँ आते रहते हैं, ये नहीं कि आज चुनाव के समय ही हम यहाँ आए हैं, पृथ्वी जी हमारे गवाह बैठी है। लगातार कालका माता के गुरुद्वारे में, खेड़ा बादशाह हो, सभी जगह हम लगातार अपना, जब भी हमें कोई कार्यक्रम होता है हम पहले यहीं से आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। कहीं ना कहीं कालका वासियों को उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कालका का मंत्री बनेगा, क्या कहना चाहेंगे?